ये तख्त, शहंशाह, ये मुगलिया सल्तनत, जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर, ये मुल्क तशरीफ ला रहे हैं। हमने अपने खून से सींचा, क्या सबसे पहले पैदा होना ही किसी इंसान को ताज पहनने का हकदार बना देता है? इसलिए आइंदा मुगलिया तख्त काबिलियत देखकर चुना जाएगा, उम्र नहीं। और इसका फैसला हम करेंगे। सलीम, तुम पहले मुगल हो जिसके अंदर राजपूती आन भरी हुई है। तुम हिंदुस्तान के सबसे महान शहंशाह बन सकते हो। अरे तख्तो ताज, मेरे लिए शायरी, मौसिकी, मोहब्बत काफी। हुकूमत तो होगी लेकिन मेरे अकेले की। मुगलिया सल्तनत को आगे वही ले जा सकता है जो गुनाह और लालच से दूर हो, आप जैसा कोई। जहां पना ये तख्त की लड़ाई भाई भाई के रिश्ते को खत्म कर देगी। जब तक हमारी बादशाहत दीवार की तरह मजबूत है, परिवार भी मजबूत ही रहेगा। एक हिलती ईंट ही काफी है पूरी दीवार गिराने के लिए। अनारकली, कभी मत भूलना कि तुम किसकी हो। आप जानते हैं मैं कोई सिपाही नहीं। शहजादे का सिपाही होना जरूरी नहीं। आपके अबूजान नहीं जानना मुझे कि अबूजान क्या चाहते हैं। कुछ है जो हमें एक दूसरे की तरफ खींचे जा रहा है। जलाल, दरिया का पानी जब जब लाल होगा, मुगलिया खून जरूर बहेगा। बादशाह बनना जिसके नसीब में हो, उसे अपनी खुशियां कुर्बान करनी ही पड़ती हैं।